हेलो लालाज और लालीज, अजय भैया ही हो तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का वेलकम है विच इज नन अदर देन अन एकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स में। और स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि आपके एडमिशंस प्रोसेसेस किस प्रकार से शुरू होने वाले हैं, एट द सेम वे आपके ग्रेवियंसेस कब आने वाले हैं, उसी के साथ साथ कैप राउंड और एट द सेम वे आपके मेरिट लिस्ट कब लगेंगे, जो कि मेरिट लिस्ट हमारे रीजनल मेरिट लिस्ट होते हैं, स्टेट लेवल के मेरिट लिस्ट होते हैं, वो सभी चीजें। और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस आप सभी के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस होंगे कम परसेंटाइल पे भी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहले तो यार चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आने वाले एक महीने में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भैया आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए, ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी यहाँ पे विच इज रेड में दिया गया है। क्या दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर द कैप हैज बीन एक्सटेंडेड, मतलब कि जो कैप राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है वो एक्सटेंड किए गए हैं, और वेरिफिकेशन जो है वो 8 तारीख तक एक्सटेंड किए गए हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, आपके जो भी कैप राउंड के जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स 7 जो जुलाई चल रहा है उस तक एक्सप्लेन कर दिया गया है, मतलब आज 5 तारीख है तो 6 और 7 मतलब 2 दिन है आपके पास। और एट द सेम वे वेरिफिकेशन भी आपके एप्लीकेशन के वो 8 तारीख तक लिया गया है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिटेल में चेक करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर डिटेल में चेक करें, एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, यस, अगर हम इसको डिटेल में चेक करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूरा की पूरा एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 24 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है, शाम 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट्स होंगे ऑप्शनिंग कर रहे होंगे कि एआई को, मतलब कि कैंडिडेटचर होंगे एनआरआई पीआईओ ओआईसी, ये सभी चीजें, तो ये सेपरेटली उनको भरना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज की नोंद रखनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सभी स्टूडेंट्स के पास। देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन को पूरे के पूरे ऑनलाइन मोड में आपको करना है, और जो भी अपलोड है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड होना चाहिए, एनीवेयर कहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये चीजें तो अच्छी है। उसी के साथ साथ कोई भी एरर्स नहीं आने चाहिए, एरर्स इन द सेंस कि ड्यूरिंग ईच स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर्म सच फॉर सच कैंडिडेट, कैंडिडेट प्रेजेंट चाहिए। अगर कोई एरर फाउंड नहीं हो रहा है तो स्टेटस वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा और लॉगिंग करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ उनको एक रिसिप्ट मिलेगी एक्नॉलेजमेंट की। उसके बाद कैंडिडेट जो होंगे वो एडिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रिसबमिट कर सकते हैं, सभी चीजें वो कर सकते हैं उनके लॉगिंग के बाद। उसी के साथ कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन ऑन गिवन स्केड्यूल इज स्क्रूनिटी थ्रू हिज और हर लॉगिंग, मतलब कि उनको उनके लॉगिंग पे करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कोई फिजिकली कर रहा है तो फिजिकली जो सेंटर्स होते हैं वहां पे भी जाके आप कर सकते हो ये सभी चीजें। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कुछ नोटिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखो यहाँ पे पूरे के पूरे नोटिफिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे आपको पूरी चीजें यहाँ पे दिखती है। देखो क्या दिख रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन of application uploading required documents by the candidate for admission website. तो इसकी जो date है ये 24 first date थी, 24/6 से, मतलब कि अभी जो शुरू हुआ था जून का, तो ये extend करने में आई है, जहाँ पे भी star है उनके dates जो है extend करने में आया। और नीचे का जो है which is अगर details वगैरह कुछ चीजें अगर नहीं है, देखो स्टूडेंट अभी होता क्या है, suppose for example अगर आपने domicile किया है लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, विच इज उनके जो रिसिप्ट होते हैं या फिर जो पावती होती है वो पावती दिया होगा। तो अभी कभी कभी क्या होता है, उस पावती के वजह से बहुत सारे इश्यूज आगे फेस हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, फिर अगर आपके इन 2 दिन में वो आ रहे हैं तो आपको आपके लॉगिन में जाना है, उसको एडिट करना है, और एडिट करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल दिखेगा। देखो यहाँ पे स्किप टू मेन कंटेंट करना था, तो आपको फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेस सभी चीजें आपको मिलेंगे, और आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा
कि किस किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्केड्यूल काइम क्या दिया है, द गिवन स्केड्यूल गिवन अबाउट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी चीजें हैं। अभी देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, हर एक चीज का डिटेल में होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे जाओगे, ठीक है, हमारे जो अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स है, ठीक है, यहाँ पे पूरा की पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने बताया है आपको, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरा की पूरा डिटेल प्रोसेसेस मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम ध्यान दें तो डिटेल में सभी चीजें मैंने आपको बताई थी उस पर्टिकुलर इसमें कि किस किस प्रकार से आपको कितना कितना गैप्स उसमें मिलेगा। और जैसे ही वो गैप्स आपके फिलअप हो जाएंगे, तो आपको ग्रेवियंसेस भरना पड़ेगा। ग्रेवियंसेस के बाद आपके मेरिट लिस्ट वगैरह सभी चीजें आपके लगने वाले हैं, तो वो चीजें ध्यान में रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया था सभी चीजें, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कितने कितने दिन में कितना कितना लगेगा, ये देखो। यहाँ पे आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से 14 दिन चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 से 14 दिन चलेगा, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो आपको 3 दिन के गैप के बाद मिलेगा, ग्रेवियंसेस आपको मिलेगा, और फिर आपकी जो आएगी विच इज फाइनल डेट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है सभी चीजें, जिससे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, सबसे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकॉन को दबा के रखना है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए हैं, अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट आता है तो आप उनसे डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो और उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, तब तक पीस।